हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्लास 8th का। इसमें बोलता है ए मिल्क मैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच। तो दो भैंसें उसने बेची हैं, एक का रेट है 20-20 हज़ार रुपये में उसने सेल करी हैं। तो देखिए, आपको ध्यान देना, ये सेलिंग प्राइस है। अब उसके बाद पहले में बोलता है अगर उसको गेन हुआ है 5% का, और दूसरी वाली जो भैंस है उसमें उसको लॉस हुआ है 10% का। तो बेचने के बाद का रेट है ये। तो देखिए, लॉस और प्रॉफिट कब होगा? इसको लॉस तब होगा जब वो खरीदेगा महंगे में और बेचेगा सस्ते में, तो उसको लॉस हो जाएगा। और प्रॉफिट तब होगा जब वो उल्टा, कि भाई खरीदेगा सस्ते में और बेचेगा महंगे में, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमें वो जो कॉस्ट प्राइस है वो नहीं पता इसकी, तो इसलिए हमें तो सिर्फ सेलिंग प्राइस पता है कि यहाँ 20-20 हज़ार में दोनों बेच दिए हैं। तो इसको ओवरऑल कितना गेन और लॉस हुआ ये बताइए। तो देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो पता है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें नहीं पता, तो पहले वाले केस में, जो पहले वाले बफेलो, उसमें हमने मान लिया कि भी उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो है X रुपीज़। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए, केस फर्स्ट, इसमें कॉस्ट प्राइस जो है फर्स्ट बफेलो की, वो हमने मान ली भी X रुपीज़ है। तो उसमें फर्स्ट वाले केस में देखिए, 5% का उसको गेन हुआ है, तो कितना गेन हो जाएगा उसमें? तो गेन अमाउंट जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 5% इसका, एक्स का 5%। तो एक्स का 5% ये हो जाएगा 5x/100 रुपीज़। तो ये गेन लिखा है मैंने। अब तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? देखिए, सेलिंग प्राइस जो है उसका, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई कॉस्ट प्राइस है प्लस, क्योंकि जो उसको गेन हुआ है तो गेन है, लॉस हुआ तो लॉस को माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें गेन हुआ है तो गेन। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था हमारा एक्स, और उसके बाद गेन है 5% का। तो इसका एलसीएम लेके आ जाएगा, देखिए इसके नीचे इन दोनों का एलसीएम 100 ही आ गया, इसे डिवाइड कर 100 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर तो 100x+5x, तो आगे 105x/100, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया इसमें। अब उसने कहा है सेलिंग प्राइस जो वो 20,000 के बराबर है, तो इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल किसके बराबर जाएगा? 20,000 के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए 105x/100=20,000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, तो देखिए ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और x से फिर डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा x से डिवाइड करने पे 105 से डिवाइड करने पे आएगा इतना 19,047.62 रुपीज़। तो ये जो फर्स्ट बफेलो है उसका हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। उसी तरफ से हम सेकंड बफेलो का निकालेंगे। तो देखिए, केस सेकंड, इसमें भी वही कॉस्ट प्राइस जो है सेकंड बफेलो का हमने Y रुपीज़ मान लिया, तो क्योंकि इसमें लॉस हुआ है तो 10% का लॉस हुआ, तो हम निकालेंगे यहाँ पे लॉस अमाउंट। तो जितना भी उसको कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई लॉस हुआ 10% का, तो ये आ गया, इससे डिवाइड करके आ गया Y/10 रुपीज़, ये इसको लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? था देखिए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा जो भी उसने कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा, जितना अमाउंट में उसको चीज़ पड़ी, तो कॉस्ट प्राइस, और क्योंकि लॉस हुआ था लॉस में माइनस कर देते हैं, तो लॉस प्राइस जितना भी उसको लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्योंकि वाई है उसमें से माइनस कर दिया हमने ये, तो ये पूरा वही एलसीएम लेके फिर से आ जाएगा 10Y-Y/10, तो आएगा 9Y/10। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। तो सेलिंग प्राइस को हम कर देंगे, देखिए सेलिंग प्राइस
है हमारा वही फिर से 20,000। तो इसमें जो वाई है उसकी वैल्यू आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/9। तो ये आएगा पूरा सोल्व करने के बाद इतना 22,222 इतना रुपीस आ गया। अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस वो हो जाएगा ये अमाउंट प्लस में ये, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे हम यहाँ पे। तो देखिए ये है पहले का जो अमाउंट था वो था 19047.62 प्लस इतना, तो इनको प्लस करने पे जो अमाउंट आया है वो आया है देखिए 41269.84 रुपीज़। और टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो तो सिंपल है, एक का है 20,000 तो दो है तो दो का हो जाएगा 40,000। अब देखिए सेल कॉस्ट प्राइस जो है वो इतना है, सेलिंग प्राइस ये रहा, तो सेल कम में हुआ है तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है तो वो जो माइनस करके आ जाएगा यहाँ पे, तो लॉस अमाउंट जो हो जाएगा वो होगा 41269.84 माइनस 40,000। इसको माइनस करने पे आएगा 1269.84 रुपीज़। तो यहाँ से पता चल गया कि मैं लॉस हुआ है, इतने का लॉस हो गया है। तो इस तरह से पूरा जो क्वेश्चन करने का तरीका था वो ये रहा। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।